हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि हीट वेव्स जो है सीवियर हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया और काफ़ी सारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो ये हीट वेव एक्चुअली होती क्या है यहाँ पे, तो मेनली इसकी फॉर्मेशन, इसकी ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हीट वेव जो है ट्रैप होके टेम्परेचर को बढ़ाती है यहाँ पे, इसके मेन इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकती है हर डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है एक्चुअली लोग अपना सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्न किया है कि नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर से इस बार जो है 3 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी हीट वेव प्रोन एरियाज है वहाँ पे नॉर्मल जो टेम्परेचर, जो लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर से थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, और उसको हीट वेव के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। तो देखिए, हीट वेव अगर देखिए डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, कि किसी भी जगह पे अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हो गई है, और हिल स्टेशन में अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गई है, तो ये सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे हीट वेव फॉर्मेशन हो चुकी है। तो पिछले साल मई 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ सरफेस, लैंड सरफेस जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, तो बोला गया था कि नॉर्थ वेस्ट के कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुकी थी, और कुछ कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर चुकी थी। तो थोड़ा सा अगर उसके हिसाब से मई 2022 का अगर हम लोग एक जो हीट वेव का अगर देखेंगे, यहाँ पे जितना डार्कर शेड ऑफ आप देख रहे हैं रेड, उतना ही ज़्यादा ये स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली, काफ़ी सारे महाराष्ट्र, पूरा जो है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ के एरिया, इनफैक्ट तमिलनाडु तक जो है यहाँ पे हीट वेव का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो जो डार्कर शेड आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस जगहों में बहुत ही ज़्यादा हीट वेव जो है जनरेट हो चुकी है, और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 45 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कैरी कर चुकी थी। तो इस बार भी ऐसा ही यहाँ पे होने की संभावना है, ये IMD ने मेंशन किया है। थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा ये हीट वेव जो है इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। तो स्प्रिंग जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, तो जो भी हॉट एयर जो है यहाँ पे मिडिल ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से जो है इंडिया में एंटर करती है, बिकॉज अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट की टेम्परेचर जो है भले ही सेम ही इक्वेटोरियल लेवल पे हो, सेम ही लैटिट्यूड लेवल पे हो यहाँ पे, लेकिन गर्म होती है, और यही गर्म हवा जो है इंडिया तक चली आती है थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। और अगर देखा जाए जो वेस्टर्ली विंड है कंपेरेटिवली ठंडा होता है यहाँ पे, लेकिन ये क्या होती है जो अटलांटिक ओशन से आती है यहाँ पे जो ऊपर रहती है, और ये क्या करती है ऑलरेडी जो हीट वेव है उसको ट्रैप करना शुरू कर देती है। यानी कि देखिए, जो ठंडा हवा जो ऊपर रहेगी यहाँ पे और जो गर्म हवा वो नीचे रहती है, और ये प्रेशराइज करके यहाँ पे गर्म हवा को ट्रैप करके रखती है। तो ये डिसेंडिंग जो एयर है ये क्या करती है, गर्म हवा को ट्रैप कर लेती है, और जिससे हीट वेव जनरेट होती है। और अगर देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से, जो वार्म अपर एटमॉस्फेयर है ये जो है बहुत ही जल्दी ऐसे ट्रैप करती है जिसके वजह से हीट वेव जनरेट होती है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग इमेज के जरिए देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एनाटोमी ऑफ हीट वेव क्या कहती है कि हीट वेव्स आर जनरली द रिजल्ट ऑफ ट्रैप्ड एयर, दे ऑकर व्हेन ए सिस्टम ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव्स इनटू एन एरिया एंड लास्ट फॉर 2 or more days। यानी कि ये देखिए कि जो भी ट्रैप किया हुआ एक जो गर्म हवा है इसको यहाँ पे ट्रैप किया है, यानी कि ठंडी हवा जो है हाई प्रेशर हवा यहाँ पे इसको ट्रैप करके रखा है, और ये गर्म हवा जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है। बाहर निकलना तो चाहती है लेकिन निकल नहीं सकती, और जैसे कि यहाँ पे कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक ये जो है ट्रैप हो जाती है, तो इसके वजह से टेम्परेचर जो है ये बढ़ती चली जाती है और हीट वेव्स फॉर्मेशन हो सकती है।
तो क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। इकोनॉमी इम्पैक्ट अगर देखा जाए, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन लोग के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उन लोग की वर्किंग डेज लॉस होते हैं, उन लोग काम नहीं कर पाते इतने गर्म टेम्परेचर में, और इसी का इफेक्ट जो है डेली वेज वर्कर, जो भी वर्कर्स है वो डेली के हिसाब से काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, यहाँ पे रिक्शा पुलर्स हो गए, जो भी अलग अलग जगहों पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं डेली वेजेस के हिसाब से, उनको काम करने में परेशानी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में इकोनॉमी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए, जो फार्मर्स जो हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने कहा है कि राबी सीजन के बाद जो है मेनली उनके क्रॉप के काफ़ी लॉसेस होती है यहाँ पे। तो देखिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे इसी तरीके से जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स के बारे में भी सोचनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है कि अप्रैल में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है 2021 में 13% तक जो है बढ़ चुकी थी, और मई में जो है 30% तक बढ़ चुकी थी, क्योंकि देखिए लोग फ्रिज, एसी, फैन, ये कूलर बहुत ज़्यादा उन लोगों को इस्तेमाल करने पड़ता है और ज़रूरी भी है यहाँ पे, तो जिसके हिसाब से जो है फैन जो है ये बंद ही नहीं होती है, 24 घंटे फैन चलती रहती है, एसी चलती रहती है, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हेल्थ इम्पैक्ट, तो देखिए मॉर्टेलिटी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स। काफ़ी सारे अलग अलग बीमारी जैसे कि डायबिटीज, सर्कुलेटरी डिजीज हो गई, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, या फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन भी बहुत देखने को मिलते हैं। फूड इनसिक्योरिटी के बारे में अगर बात करेंगे, जो हीट वेव्स के वजह से जो अलग अलग जगहों पे ड्रॉप होती है, सूखा पड़ता है यहाँ पे, तो क्रॉप प्रोडक्शन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है, कम हो जाती है, और जो पेड़ों की जो है सूख जाते हैं और पेड़ जो है इनफैक्ट जल के मर भी जाती है, जिसके हिसाब से जो इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेस भी देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ वर्कर्स अगर देखा जाए, स्पेशली जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्कर में, यहाँ पे बहुत ही देखा जाता है, और एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बिकॉज इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है अभी भी एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है उन लोगों की लिवलीहुड को चलाने के लिए। तो जो भी अमीर लोग हैं उन लोगों को तो इतना परेशानी नहीं होते हैं, एसी घरों में रहते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, जहाँ जाते हैं ऑफिस या स्कूल्स में वहाँ पे एसी होते हैं, लेकिन जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स झेलने को मिलता है। तो अगर देखा जाए कुछ कुछ स्ट्रेटजीज अगर बात करेंगे यहाँ पे हीट वेव्स के बारे में, तो हीट वेव्स एक्शन प्लान यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो है हीट वेव को एक डिजास्टर के हिसाब से सोच के, उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करके, उसके हिसाब से प्लान कर सके, जो ह्यूमन लाइफ, लाइफ स्टॉक और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सके। पब्लिक अवेयरनेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग अलग मीडिया के जरिए, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर सोशल मीडिया, तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हीट वेव जो है बढ़ने वाली है, और इसके लिए अलग अलग जगहों पे प्रूफ शेल्टर फैसिलिटीज होनी चाहिए। हीट वेव प्रोन एरियाज ड्यूरिंग समर में अलग अलग ऐसे शेल्टर्स बननी चाहिए, लोगों के पास कैंपेनिंग होनी चाहिए कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए, यहाँ पे पानी पीने की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप देखा जाए कि अलग अलग जगहों पे जो ट्रीज, अगर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हीट का इफेक्ट बहुत ही कम होती है। कंपेरेटिवली अगर आप लोगों ने मैप में देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो बहुत ही कम इफेक्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे फॉरेस्ट्री जो एरिया बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ देखिए, क्लाइमेट एक्शन प्लान को यहाँ पे सीरियसली सोचनी ही पड़ेगी। तकरीबन हर वीडियो में ये मैं कहते हुए आया हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब इफेक्ट सीवियर से सीवियर होती जाएगी साल बर साल। तो ये जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो फॉरेस्ट्रेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू जो है हीट वेव के इफेक्ट को कम से कम किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए अलग अलग जगहों पर, स्पेशली जो अर्बन एरियाज में, जो डार्क रूफ है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज देखिए गांवों की जो सड़कें होती है जनरली मिट्टी के सड़कें होते हैं, लेकिन जो शहरों की अर्बन एरियाज की, यहाँ पे कंक्रीट रोड होती है, यहाँ पे पार्किंग लॉट भी कंक्रीट होती है, तो वो क्या करती है, ब्लैक होती है ज़्यादातर, तो ये हीट जो है ज़्यादातर एब्जॉर्ब करती है, और इसके वजह से हीट वेव भी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए भी वैसे मटेरियल जो है यूज़ होनी चाहिए, ताकि हीट वेव से कंपेरेटिवली जो है रिलैक्सेशन मिल सके। तो एक चीज़ तो देखें, ये सब जो है नेचुरल चीज़ें हैं, ये हीट वेव आने ही वाली है, लेकिन इसके प्रिवेंशन के लिए काफ़ी कुछ मेजरमेंट
लिया जा सकता है। इसमें नॉट ओनली यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या फिर लोग जो है एनजीओ के मदद से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और मेनली एक चीज देखिए कि जितना ज्यादा पेड़ पौधे हम लोग पर्यावरण के साथ रहेंगे, ये चीजें कम से कम इफेक्टेड होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द हीट वेव्स, जो IMD ने वार्न किया है कि और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।